हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सीरीज ऑफ मंडे माइंडसेट मंत्र। इन प्रीवियस वीडियो आई हैड टॉक्ड अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सो एज प्रॉमिस्ड इन दैट वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर एन आई ओपनर सीक्रेट ऑफ एसएसबी इंटरव्यू। टुडे आई विल टेल यू द फाइव बेस्ट आंसर फॉर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड बाय इंटरव्यूइंग ऑफिसर इन पर्सनल इंटरव्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स। Five best answers for these questions are singing, dancing, writing poems, cooking, and reading books. These are the best answers for this question. But wait, are these the correct answers for you? A big question mark. Just think for a while. A big no. These are not the correct answers for you. Are these? These are the best answers, but not the correct answers for you. As every person has different hobbies and interests, and these answers may not fit in your personality. Let me take another question for making it more clear. The second most common question, what was your percentage in 10th standard? And the five best answers to this question are 95%, 98%, 99%, 97%, एंड 96%। अब आप बोलोगे कि भाई क्या मजाक कर रहे हो, हम तो वही परसेंट बताएंगे ना जो हमारी परसेंटेज आई होगी 10th स्टैंडर्ड में। एक्सैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू। दीज रिप्लाइज मे बी द बेस्ट आंसर्स बट मे नॉट बी द करेक्ट आंसर्स फॉर यू, बिकॉज इन रियलिटी योर ओन आंसर आर द बेस्ट आंसर्स। डिग आउट योर सेल्फ एंड गिव your best answers, your own replies in the SSB interview, not that mugged up one. The biggest mistake which an aspirant do while preparing for SSB interview is that they search out for the answers, ready-made answers from YouTube or internet by watching videos or reading blogs, and then they attend their SSB interview with those pre-learned answers जो उनकी साइकोलॉजी और पर्सनैलिटी दोनों से ही मैच नहीं करते। तो ऐसे में क्या वो लोग एसएसबी क्लियर कर पाएंगे? एसएसबी इंटरव्यू दुनिया का सबसे आसान इंटरव्यू है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्या बता सकते हैं आप? ऐसा इसलिए बोला मैंने क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू, स्पेशली पर्सनल इंटरव्यू में जो ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, वो हमें पहले ही पता होते हैं कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर वो क्वेश्चन पूछने जाएगा हमसे, और उनका जवाब देने के लिए हमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को डिग आउट करने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन, 70% क्वेश्चन आपके PIQ फॉर्म, जो कि आपकी जन्म कुंडली होती है, जो आप फॉर्म फिल करके देते हैं एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग इन के बाद, जब आपको PIQ फॉर्म दिया जाता है, तो जब आप उसको फिल करके देते हैं, उसके अंदर ही आप वो सारे जवाब लिख के ऑलरेडी आए होते हैं, जैसे कि अपनी हॉबीज, इंटरेस्ट। लेकिन उसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, किस प्रकार से आप बताते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है। और वो आप तभी बता पाएंगे जब आप अपने आप को ठीक से जानते होंगे, अपनी साइकोलॉजी को जानते होंगे। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने आपको रट्टा लगवा के भेज दिया कि आप ये चीजें बोल देना, और आप वो वहां जाके बोल दोगे, और SSB में जो इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा वो आपको शाबाशी देगा, खुश होगा। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि योर ओन आंसर्स आर द बेस्ट आंसर इन SSB इंटरव्यू। और आज का मेरी वीडियो का सीक्रेट भी यही था कि जो आप स्वयं आंसर दोगे, अपने आंसर्स, वो ही बेस्ट आंसर्स हैं, ना कि किसी और द्वारा आपको लिखाए पढ़ाए गए आंसर, वो बेस्ट आंसर नहीं हो सकते आपके लिए। क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, आपकी हॉबीज, आपकी इंटरेस्ट, आपके परसेंटेज, वो सब डिफरेंट हैं। तो इसलिए आज का मंत्र क्या है कि आप अपने आंसर्स दीजिए SSB में, चाहे आपको किसी ने भी कुछ भी बोला हो, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए, और जो आंसर्स आपको फिट लगते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, आप वो ही दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड डू कमेंट योर वैल्यूएबल सजेशंस, एंड इफ स्टिल यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस फैमिली ऑफ SSB स्ट्रोक्स, देन प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल वीडियो अपडेट्स। अपना प्यार यूं ही बनाए रखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।